मुकेश अंबानी और उनकी बेगम आई थिंक निधि उनका नाम है शायद। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। तो $200 मिलियन से ज्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई है। पाकिस्तान पर भी कई ऐसे भेड़िए नजरें जमाए हुए हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी तरीके से वो हमारे वतन को नुकसान पहुंचा सके। इनके जो ये जो बड़े बड़े क्या है ये खित्ते में अमन की बर्बादी जो भी है। क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाएगा। ये क्या हो क्या गया है हमें? मेरा दिल दहल गया कि यार ये पाकिस्तानी इतने वैश्विक कब से हो गए यार। हलवा खाएं और सो जाएं। ये लोग इनके खून क्यों लग गया इनके मुंह को? कोई इनको तालीम दे कि रसूल के नाम पे कत्ल नहीं करते। अच्छा, हमारा तो एक ही राजा है वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। जय सियाराम। लेट्स से कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, दैट विल नॉट बी द पोजीशन, दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। यह देश राम राज्य से ही चलेगा। सो ये चीजें जो हैं और अरे कल फंस गया मुंह में नहीं। अच्छा। हमें उस खित्ते में जाना है कि हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान को इग्नोर किए बगैर आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। सन्यासी हो, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला लेकर के भी चलते हैं। क्या बात, ये बात है। दुश्मन अगर ताकत में ज्यादा हो तो कमजोर दिखाई देने वाला अपनी जहानत को हथियार बना ले, जहानत को हथियार बना ले, जहानत को इस्तेमाल करे और जो आपको वैसे बाजार ताकतवर लग रहा है दुश्मन, आप उसको शिकस्त दे दें, हरा दें, सिर्फ जहानत का इस्तेमाल करें। क्या करते हो यार, खुद जाके मंदिरों को तोड़ाते हो, मंदिर गिराते हो जाके लोगों के, तब तो हमें मजहब नहीं होती है। क्या हो क्या गया है हमें? पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हम कितने बदबूदार हो चुके हुए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो कैसे हो किट कैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। हाय हाय, इतना सुकून। 22 जनवरी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन कैसे बीता? मेरा कैसे बीता? आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा और व्लॉग देखने के लिए किट्टू राव 2.0 सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। फिर ये मत बोला, बताया नहीं। ओके ओके, चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे पर। ठीक है जी। अभी तक हम सब यही जानते हैं कि पाकिस्तान में दो टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो भारत के खिलाफ जहर उगलते, अब भारत दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका है, एक बार फिर ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है। दूसरे वो जो तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। राम मंदिर, राम राम मंदिर, राम राम मंदिर, राम राम मंदिर। दोबारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो बालाकोट स्ट्राइक जैसा कोई दोबारा सिचुएशन बन सकती है। राम अरे से राम अरे से राम अरे से राम। कश्मीर के हवाले से बहुत सा ऐसा डर है पाकिस्तान की पब्लिक में। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे बंदे को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जो इंडिया ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। एक बंदे की मेंटेलिटी, एक थिंकिंग होती है किसी भी टॉपिक के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी सो पॉपुलर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, लेट्स से कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, दैट विल नॉट बी द पोजीशन। इतनी जल्दी तो किसी का वक्त जज्बात नहीं बदलता जितना जल्दी ये बंदा बदल जाता है। कौन? मैं बात कर रही हूँ। तो मैं हूँ कमर चीमा। कमर चीमा मतलब नाम भी थोड़ा अजीब सा ही है, कमर चुम्मा। हाय, फिजा की कमर पर चुम्मा मत समझो, हमने भुला दी। ऐसा नाम रखता ना कुछ सेक्सी सा, मजा आता मेरे को, मेरे किटकैट्स को। ठीक है कमर चीमा, बिल्कुल नहीं पसंद आया। अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। ये तो होगा। अब पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ राम मंदिर की चर्चा हो रही है, तो इस बंदे को भी चर्चा तो करनी है ना। अब बात करते हैं इस बंदे के खुद के चैनल यूट्यूब चैनल पर। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। कहा जा रहा है कि 1,00,000 विजिटर्स हर रोज, 1,00,100,000 पीपल विल कम देयर डेली, ये ऑफिशियल एस्टीमेट्स बता रहे हैं। वो ये क्या चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दी हुई है, हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है, यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस। मैं देख रहा था जनाब, हेलीकॉप्टर पतियां जो है वो गिरा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया। वाह, क्या तारीफ कर रहा है भाई। लेकिन वही जब भाई जाता है फिजा के चैनल पर, फिजा तो एक नंबर की जहर उगलू नागिन है ना, तो वहाँ पर फिजा पता नहीं इस कमर चिम्मा को कौन सा टोनिक पिलाती है कि ये बंदा जहर उगलने लग जाता है। कोई टीका लगाना चाहिए ना, अब कोई हमारे पास भी ऐसा एंटीडोट होना चाहिए कि मेरे को रोक सके। मैं अगले दिन सुन रहा था आरएसएस चीफ को, मोहन भगवत साहब को, वो भी ये कह रहे थे
कि जो पार्टीशन है इसको अंडू करना है डॉक्टर साहब। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। भारत और पाकिस्तान तकसीम हुए यानी कि पाकिस्तान को वापस लेना है इंडिया के साथ, ये है सोचिंग की। आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं यानी कि पाकिस्तान को वापस लेना है इंडिया के साथ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। लग ये रहा है कि कश्मीर की जो कहानी है, जो कश्मीर की स्टोरी है, वो कहीं गुम हो गई है। सिंध प्रांत में जो आतंकवादी गुनाह कर रहे हैं वहाँ की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो आपकी नजर में आतंकवादी था या ना? एक बात याद रखना, जो आतंकवादी का समर्थन करते हैं वो भी आतंकवादी ही होते हैं। सही बात है। अगर वो आतंकवादी हैं, हाँ भाई हाँ, तो कश्मीर में जो कोई भी पत्थरबाज जो भारत के खिलाफ बोल रहा है वो आतंकवादी। कश्मीर का मुआवजा बलोचिस्तान से कैसे कर सकते हैं? बलोचिस्तान तो हमारा सूबा है। एक मिनट, कश्मीर का मुआवजा, कश्मीर में आप लोग काबिज हैं, कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अकवामे मुत्तहिदा में करारदादें पड़ी हुई हैं। आप एक मिनट ठहरे, आप भी वहाँ से नहीं रहना चाहते? बलोचिस्तान क्यों नहीं रहना चाहते? बड़ा खुश रह रहे बलोचिस्तानी हमारे साथ, बिल्कुल खुश है कि हमारे पाकिस्तान। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढाल। मुल्क का हिस्सा बलोचिस्तान, कश्मीर पे आप लोग काबिज हैं। डिस्प्यूटेड वो एक टेरिटरी है, एक ऐसा एरिया। किसने कहा डिस्प्यूटेड? कश्मीर हमारा है। जी आपने अधिक, आपने गलत तरीके कैसे आपका कैसे आप, आपके नेहरू जी ने जाकर क्या बोला था वहाँ पे? ऑन रेकॉर्ड है चीजें। नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने आप लोग अपनी बात से मुकर कर आप काबिज हो गए। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो? मजा नहीं आ रहा है, हम करते हैं प्रबंध। छोटी बच्ची हो क्या? जनमत संग्रह के लिए भारत तैयार है, बशर्ते पाकिस्तानी फौज पीछे जाए। कभी मना नहीं किया किसी ने, आप कभी पीछे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए जनमत संग्रह नहीं हो रही है। और नहीं तो क्या? भारत के फॉरेन मिनिस्टर को यूएन में बुलाए और उनसे एहतजाज करे और उनसे पूछे कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर मुसलमान बच्चों के साथ और कश्मीरी बच्चों के साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है? भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं। भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? कोई है तो बता मेरे को। मुझे बवासीर है। वो एक कोई है ना, कभी नीम नीम कभी सैद सैद, इस बंदे के लिए ही बनाया। वो डायलॉग है, सॉन्ग है, क्या है जो भी है, इस बंदे के लिए ही बनाया। कभी नीम कभी सैद, बैलेंस रखता भाई साहब, ना डायबिटीज होने देगा और ना शुगर लेवल कम। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। यूट्यूब पर भारत की तारीफ करके कमाना चाहता है भारत के व्यूवरशिप। सारे का सारा बॉलीवुड आया वहाँ, ये आप सारे के सारा क्रिकेट आए। मुझे लगता है टीवी चैनल जो कि पाक आर्मी भी देखती है उस पर बंदा जहर उगलता है भारत के खिलाफ, क्योंकि पाक आर्मी बनी किस लिए? पाकिस्तानी आवाम पर जुल्म ढाने के लिए, उनकी जुबान बंद करने के लिए, उनकी जुबान पर कंट्रोल रखने के लिए, यही काम है बस छोटे छोटे। बाकी कुछ घंटा नहीं उखाड़ती पाक आर्मी। सैलाब आ जाए तो फौज को बुलाओ, फौज को बुलाओ। जलजला आ जाए तो फौज को बुलाओ। इंतखाबात आ जाए तो फौज चाहिए, फौज को बुलाओ। कई पे जुलूस है तो फौज को बुलाओ, त्यौहार है तो फौज को बुलाओ, मजालिस हो तो फौज को बुलाओ, मिलाद है तो फौज को बुलाओ। फौज मुखालिफ जलसा करना हो तो भी उस जलसे की हिफाजत करने के लिए भी फौज को ही बुलाओ, और फिर गालियां भी उसी फौज को दो। पाक आर्मी से याद आया भाई साहब, नंबर वन आर्मी है उसको रख दिया है 9वें नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर अफवाज की फहरिस्त जारी की है। अच्छा, जिसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, ठीक है, रूस दूसरे नंबर पर और चाइना तीसरे नंबर पर है, ठीक है, समझ गया। फहरिस्त में पाकिस्तानी फौज का 9वां नंबर है। फिजा कैसा लगा? ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फेरिस के मुताबिक इंडिया चौथे। मुझे दिल से तकलीफ होती है, पाकिस्तान के कुछ हैंकर हैं जो कि मानेंगे नहीं ना, तो इन भाई साहब के भी विचार सुनो। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो वो दुनिया की छठी या सातवीं एटमी कुव्वत बना था। इतना मत फैल, फट जाएगा। तो वही पैटर्न अभी भी फॉलो होगा मेरे एतबार से। तू है कौन? पढ़े लिखे जाहिल। क्योंकि उसके बाद से अभी तक कोई एटमी ताकत नहीं बना है। इनको कुछ नहीं लेना देना होता है किसी रिपोर्ट से, ये खुद ही नंबर वन बन जाते हैं। इवन जनूबी कोरिया को 5वें नंबर पर रखा गया। ये वो मुल्क हैं जिनके पास एटमी कुव्वत नहीं है। तेरे को मैं इतना ही बोलूंगी, अपनी एटमी पावर को ना अपने पिछवाड़े में डाल ले, 4 बन जाएंगी, लेकिन नंबर 1 पर फिर भी तू नहीं आएगा। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ हाँ, रुको 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 रुको, मैं गई थी कुछ खरीदने और फिजा के लिए मुझे दिखा एक आइटम। फिजा मैं तेरे लिए कुछ खरीदना चाहती थी। क्या बात है, कल राम जी आ रहे हैं सजाने के लिए, कुछ लेने आए थे, और ये बंदी देखो यहाँ पे क्या देख रही है। ये ले लूं। क्या करोगे इसका? पिज़्ज़ा का दूध निकालूं। अबे दिमाग खराब है, कौन निचोड़ लिया? कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन ज्यादा ही तो चाहिए हमें। यस,
कमेंट सेक्शन में फिजा के लिए कुछ प्यार भरे अल्फाज लिख देना, बस लिखना जरूर, वरना कुटूंगा ना। बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू माय किटकैट्स। यो यो किट्टू भाई।